हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। डेली ऐप यूजेज लिमिट ये एंड्रॉयड और आईओएस पे कैसे लगाना है हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको यूज करने के दो फायदे हैं, एक तो आपका मोबाइल पे टाइम जो है वो कम लगेगा, यानी आपका यूजेज टाइम कम हो जाएगा, और दूसरी बात आपका डेटा भी बचेगा। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड की बात करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले अपने सेटिंग ऐप में जाना होगा और स्क्रॉल डाउन करना होगा जब तक कि आपको डिजिटल वेलबींग ना दिख जाए। अब आपको डिजिटल वेलबींग पे टैप करना है, इसके अंदर आपको यूजेज का पूरा स्टैट्स दिखेगा, आपने कितना समय एक ऐप पे लगाया है, कितने नोटिफिकेशन आए हैं, ये सब आपको इसके अंदर दिखेगा। इस मैट्रिक को यूज करके अब आप ये जान सकते हैं कि आपने एक पार्टिकुलर ऐप पे कितना टाइम लगाया है और आप कितना टाइम उस पे आगे लगाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जब आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको वेज टू डिस्कनेक्ट दिखेगा, वहां पे आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, उससे आपको सिलेक्ट कर लेना है। डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे इंस्टॉल्ड ऐप दिखेंगे और हर एक ऐप के सामने आपको एक आर ग्लास जैसा एक आइकन दिखेगा, यही आर ग्लास जो है हमारी हेल्प करेगा टाइम लिमिट को सेट करने में। तो अब आपको जिस ऐप को लिमिट करना है उसके सामने आर ग्लास पे टैप कर लेना है और जो टाइम लिमिट आपको देना है वो आप दे सकते हैं 10 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। ये स्टेप जो है आप नंबर ऑफ वेज में जितने ऐप्स के लिए चाहें आप रिपीट कर सकते हैं। जब ये टैप हो जाएगा, लिमिट सेट हो जाएगी, और जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपका ऐप नॉर्मल चलेगा। जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तो ये आपको एक मैसेज दे देगा कि आपका टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, तो आप यूजेज जो है अपना बंद कर देंगे और आपका डेटा भी आपसे बचेगा। अब यही चीज हमें आईओएस में कैसे करनी है वो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग ऐप खोलना है आईफोन पे और स्क्रॉल डाउन करना है जब तक कि आपको स्क्रीन टाइम ना दिख जाए, उस पर टैप कर दीजिए। इसके अंदर आपको दिखेगा आपने कितना अमाउंट लगाया है, अपने टाइम लगाया अपने फोन पे, और आप जब सी ऑल एक्टिविटी ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक ऐप की डिटेल यूजेज मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सेट यूज करना है लिमिट को, तो आपको टैप करना होगा ऐप लिमिट ऑप्शंस पे और इसके अंदर ऐड लिमिट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपके फोन के जितने इंस्टॉल्ड ऐप हैं वो सब दिखेंगे। अब आपको जिस ऐप को लिमिट करना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक बात और बता दूं, ऐप्स के साथ साथ आप यहाँ पे चाहें तो वेबसाइट को भी लिमिट कर सकते हैं। फिर आपको ड्यूरेशन इसमें सेट करनी होगी। आईओएस में एक एडवांटेज रहता है कि आप हफ्ते से लेके दिन से लेके घंटे से लेके मिनट तक का इसमें टाइम लिमिट लगा सकते हैं। अब ये आप चाहें तो हर ऐप के लिए या जो ऐप ज़्यादा आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप ये रिपीट कर सकते हैं। जब ये टाइमर सेट हो जाएगा आपका ऐप जो है वो नॉर्मल चलने लगेगा, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा वो आपको बता देगा। आप चाहे तो ओके करके बंद कर सकते हैं, वरना आप इग्नोर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने का कोई फायदा है नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।